हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं पूरी तरह से नहा धोहा के अच्छे से तैयार हो चुका हूँ। सो बात दरअसल यह है दोस्तों कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, आई थिंक यहाँ से 2-4 किलोमीटर ही होंगे, और वहाँ पर एक टेम्पल है, खंडवा टेम्पल। सो आज हमें टाइम है तो हम जा रहे हैं आज वहाँ घूमने के लिए, और वहाँ जाके दर्शन भी करेंगे भगवान की। थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करना बहुत जरूरी होता है गाइस, आप समझ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वहां से आप पूरा पुणे सिटी को देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यू आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम मंदिर पहुंचते हैं। तो गाइस, यह वह रास्ता है जिससे हम लोग खंडवा मंदिर जा सकते हैं। यह एक सिंगल रास्ता है पुणे के लिए, और यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर खंडवा टेम्पल है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी ऊंची सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों पर चढ़ना होगा ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए। चलिए चढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा ऊंचा है पर यही तो मजा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सो गाइज, फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने थक चुके हैं हम, काफ़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी हम दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि मंदिर कैसा दिखता है, और यहां से पुणे सिटी का व्यू भी आपको दिखाते हैं कि पुणे सिटी का व्यू यहां से कैसा देखने को मिलता है। तो ब्लॉग बने रहिएगा। तो यह है बाबा खंडवा जी का मंदिर, काफ़ी प्यारा और काफ़ी भव्य है यहाँ का लोकेशन। यहाँ आके दर्शन करने में काफ़ी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। सो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। यह मंदिर ज़्यादा फेमस नहीं है पर यहाँ के लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर जो अगल बगल के लोग हैं पुणे में वो सब यहाँ आके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर आना बहुत ही फ़ायदेमंद रहा हमारे लिए। तो मैं आपको एक मंदिर का लोकेशन दिखाता हूँ अच्छे से। सो गाइस, ये है बाबा खंडवा जी का मंदिर, और ये पहाड़ी पे है तो काफ़ी अच्छा यहाँ का लोकेशन है, और यहाँ पर काफ़ी शांति है, यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ ज़रूर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग जब आए हैं अभी लगभग आपको टाइम जो हो रहा है वो 9 बज रहा है, और 9 बजे यहाँ काफ़ी धूप हो गया है। सो काफ़ी धूप में लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम आए हैं तो फिलहाल यहाँ कोई है नहीं। गाइस, इसका मैं बताऊँ तो मेन रीज़न क्या है मेरा यहाँ आने का, तो बात दरअसल यह है कि मुझे पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, बहुत हेजिटेशन लगती है। इसके लिए मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ ताकि आउटसाइड में मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ और अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ला सकूँ। यहाँ पर कोई नहीं है,
मैं अपनी मन से कुछ भी यहाँ पर बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की लाज नहीं है और कोई भी हेरिटेशन यहाँ मुझे नहीं हो रही है। तो मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यहाँ आया हूँ। सो, ये मेरा एक मेन रीजन था। और दूसरा, भगवान के दर्शन भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भी हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि भगवान के दर्शन कर लूँ। अभी आप मेरे देख रहे हैं कि मैं जिस पहाड़ी पे हूँ उसके पीछे ही जस्ट पूरा सिटी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। यह पुणे सिटी है और पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और यह काफ़ी अच्छा लोकेशन है जहाँ से आप पूरा सिटी को देख सकते हैं। अभी हम लगभग सिटी से काफ़ी ऊँचाई पर है, तो यहाँ आने का जो हमारा मोटिव था वह पूरा हो गया और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हवाएँ बहुत अच्छी चल रही है, धूप है पर उतनी धूप नहीं लग रही है जितनी लोग सोच रहे हैं। गाइज, मैंने आपको अपने पूरे पीछे का जो व्यू है वो दिखाया और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का। अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। सो गाइज, फाइनली हम खंडावा मंदिर घूमकर अपने रूम पर आ चुके हैं और आपने भी यह ब्लॉग देख लिया होगा। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।